और दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर डे मॉडल पेपर के क्वेश्चन कराए जाते हैं कक्षा 10 के। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा मैथ का है, NCERT मैथ यानी मॉडल पेपर का है। आप देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है, तो इसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई बताओ। तो हमको तार की लंबाई निकालना, तो देखिए क्या दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर आर त्रिज्या, तो आर बराबर क्या दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया गया है, तो यानी कि इतनी त्रिज्या का एक ठोस धातु का गोला पिघलाया गया। तो देखिए आगे क्या दिया गया है, 0.6 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि डी बराबर दिया गया है 0.6 सेंटीमीटर और आर बराबर आ जाएगा 0.3 सेंटीमीटर व्यास त्रिज्या का। कह रहा है कि तार बनाया गया है, इतनी सेंटीमीटर का तार बनाया गया है, तो कह रहा है कि तार की लंबाई बताओ, यानी हमको एच निकालना है। देखिए जो तार होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है तार। देखिए जो इसकी त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको ये निकालनी है, यानी कि ये बेलन के आकार का बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, बेलन के आकार का ये, तो धातु के गोले का आयतन, देखिए जितने धातु के गोले का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। तो देखिए इक्वल तार का आयतन, तो देखिए धातु के गोले का आयतन क्या होता है, यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर तार का आयतन। तो तार का मतलब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी एच हमको निकालना है। तो देखिए इस पाई से ये पाई कट जाएगा, क्योंकि अक्ल में आर क्यूब और आर स्क्वायर ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें आर का मान 10.5 है और इसमें आर का मान 0.3 है, यानी अलग अलग है तो ये नहीं कटेगा। देखिए 4/3 गुणा आर क्यूब है, आर का मान कितना दिया गया गोले वाले का, 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बराबर यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर। तो आर का मान इसका कितना दिया गया है, 0.3 गुणा 0.3 गुणा एच। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो कितने जीरो आ गए, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 जीरो आ गए, तो यानी इन 10 का काम हो गया खत्म। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ से 10 हटाएंगे, तो 1, 2 यहाँ पर 2 जीरो आ गए, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म 10। अब क्या करेंगे, ये देखिए बराबर में है तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3, तो देखिए 3 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 = 35 बार में। अब इसी तरह देखिए ये 0, 3 है तो 0 आगे है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। अब 3 से इसको काट देंगे तो ये 35 आ गया और 3 से इसको काट देंगे तो ये भी 35 आ गया। देखिए 35 × 4 तो 35 × 4 कितना हो जाएगा, 0, 4 × 5 = 20 की जोड़ असल 2, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 140 आ गया। और इसका गुणा कर देंगे तो 35 × 35 होता है 1225। अब 1225 में हम कितने गुणा कर दें, 140 का हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 1225 × 140। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो कटे थे और 1 जीरो अभी है, तो 10 यहाँ पर नीचे है तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या बचा 1225 × 14 है, क्या बचा 1225 × 14, इसको हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 14 × 5 = 70 की 0 = 7, 14 × 2 = 28 और 2 = 30, 30 × 5 = 35 की 5 = 3, 14 × 28 = 3, 31 + 1 = 3, 14 × 14 = 3, 17, यानी 17,150 सेंटीमीटर लंबाई का जो है हमारा तार निकल करके आ गया, यानी हमको तार की ही ऊंचाई निकालनी थी तो मैंने क्या किया, निकाल लिया। तो उम्मीद करूंगी कि आज के इस वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जय